नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क हिंदी के एक नए वीडियो में। उड्डयन मंत्रालय ने 25 मई से घरेलू विमान सेवाओं को शुरू करने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद आज दोपहर 12:30 बजे से विमान सेवाओं की बुकिंग शुरू हो रही है। इसको लेकर एयर इंडिया ने एक ट्वीट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि दोपहर 12:30 बजे से टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बीते बुधवार को घोषणा की थी कि घरेलू विमान सेवाएं 25 मई से शुरू हो जाएंगी। इसको लेकर सभी हवाई अड्डों को 25 मई 2020 से परिचालन के लिए तैयार रहने की सूचना जारी की गई थी। यात्रियों की आवाजाही के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा सभी हवाई अड्डों को SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए जा रहे हैं। पहले मिली सूचना के अनुसार 31 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद 1 जून से यात्री विमान सेवाएं शुरू होने की बात की जा रही थी। फ्लाइट कंपनियों ने टिकट की बुकिंग भी लेना शुरू कर दिया था, लेकिन अब 25 मई से परिचालन के लिए कंपनियां बुकिंग जल्द ही शुरू कर सकती हैं। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया था कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद घरेलू उड़ानें कब और कैसे शुरू होंगी या केंद्र अकेले तय नहीं कर सकता है। इसमें राज्यों को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और यह तय करना होगा कि क्या वे अपने संबंधित हवाई अड्डों को उड़ानों के लिए संचालन की अनुमति देंगे या नहीं। सरकार ने उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें 2 घंटे से कम की उड़ान अवधि के लिए खान पीन की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि कुछ स्नैक्स और पेय पदार्थ दिए जा सकते हैं। प्रोसीजर में बताया गया है कि विमान सेवाओं को सिर्फ मुख्य शहरों के लिए सीमित क्षमता के साथ शुरू किया जाएगा। विमान में यात्रियों और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए केवल स्वस्थ लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। प्रोसीजर के अनुसार विमान में हैंड बैगेज, केबिन बैगेज की अनुमति नहीं होगी, सिर्फ वेब चेक इन या ऑनलाइन चेक इन की अनुमति होगी। इसके साथ ही हवाई अड्डों पर धूम्रपान की अनुमति भी नहीं होगी। यात्रियों को अपने स्मार्टफोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा यात्रियों को फेस मास्क और हैंड ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। अगर यात्री कभी पहले क्वारंटाइन में रह चुका है तो उसे अपनी COVID-19 क्वारंटाइन हिस्ट्री बताने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा। हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डे पर अल्ट्रा वायलेट तकनीक पर आधारित डिसइंफेक्टेंट टनल बनाए गए हैं, जिस पर यात्रियों के सामान को कीटाणु रहित किया जाएगा। इसके साथ ही अल्ट्रा वायलेट टावर भी लगाए गए हैं, जो आने जाने वाले यात्रियों को भी डिसइंफेक्ट करेगा। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ऑटो जगत से जुड़ी और भी ताज़ा जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहें ड्राइव स्पार्क हिंदी के साथ।